बिग बॉस 14 के मशहूर कपल अली और जासमीन का मच अवेटेड सॉन्ग तेरा सूट बहुत ही जल्द आने वाला था और फाइनली अब आ चुका है। जस्ट नाउ आपने देखा तो कैसा लगा? मैंने अभी भी वो गाना देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये एकदम रोमांटिक पैपी सॉन्ग है और जैस्मिन और अली जैसली उन लोगों की जोड़ी तो बिग बॉस 14 में वैसे भी फेमस हो गई है, तो ऑब्वियसली गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा और ये जोड़ी भी मुझे बहुत पसंद है। जस्ट ना मैंने अभी गाना सुना तो गाना बहुत ही अच्छा लग रहा है और पार्टी रोमांटिक सॉन्ग है और बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम भी जो रिकॉर्ड है सब रिकॉर्ड ये गाना जो है तोड़ने वाला है। सॉन्ग बढ़िया है, मैंने सुना अभी जस्ट ये सॉन्ग जैस्मिन और एली का, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा गाना। मुझे गाना बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा गाना है, रोमांटिक प्लस पार्टी सॉन्ग है, मुझे गाना बहुत पसंद आया। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो दोनों की केमिस्ट्री कैसी लगी सॉन्ग में? जैस्ली की जोड़ी वैसे भी हम लोगों को पहले से पता है, हम लोगों ने बिग बॉस 14 में उन लोगों को देखा है, बहुत ही प्यारी और रोमांटिक जोड़ी है जैस्लीन और अली की, तो उन लोगों के बारे में बोलने की वैसे भी जरूरत नहीं है, वो सेम केमिस्ट्री उन लोगों ने इस गाने में भी दिखाई है, बहुत ही प्यारी जोड़ी लग रही है। अगर केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो जैसे हमने पहले बिग बॉस में भी इनको देखा हुआ अली और जैस्मिन को, तो उसमें भी जो कि बहुत ही उनका अच्छा बॉन्ड दिखता है और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये सब में भी बहुत ही अच्छा जो है उनका बॉन्ड जो कि उभर के नजर आ रहा है। केमिस्ट्री अच्छी है दोनों की, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम ये सॉन्ग रिलीज किया है, मतलब साथ में दोनों ने किया है, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इनको फ्यूचर में और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स करनी चाहिए। जोड़ी की बात करें तो जोड़ी बहुत अच्छी है और दोनों एक दूसरे में क्यूट दिखते हैं। अगर जैस्मिन और अली की बात करें तो दोनों की तो कपल बहुत ही अच्छे लगते, तो एज अ व्यूअर आपको लगता है कि दोनों को शादी कर लेनी चाहिए? ऑफ कोर्स उनको शादी करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत ही प्यारे रोमांटिक कपल है और उनका प्यार भी एकदम जेन्युइन लगता है। वैसे तो हम लोगों ने बिग बॉस 14 में उनका देखा हुआ है, जब भी जैस्मिन बाहर निकलने ही वाली थी तो अली बहुत इमोशनल होकर बहुत रो रहे थे और सब लोगों ने देखा है ये चीज, तो ऐसा लगता है कि उनका प्यार मतलब दिखावा नहीं है, ये एक जेन्युइन लव है, तो ऑफकोर्स उनको शादी करनी ही चाहिए। अगर मैं ये दोनों की जो जोड़ी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि टेलीविजन की जो कि ये बहुत ही क्यूट कपल है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों को जो कि शादी कर लेनी चाहिए वो भी जल्द से जल्द। जी हाँ, शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों साथ में बहुत क्यूट दिखते हैं दोनों कपल, और बिग बॉस में भी इनका बैकग्राउंड वैसे ही था तो बहुत ही अच्छे दिखते हैं दोनों साथ में, मुझे लगता है शादी में दोनों को कर लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से बिग बॉस के पहले से दोनों बहुत अच्छे दोस्त है मैं, और दोनों कपल भी अच्छे दिखते हैं, मेरे हिसाब से दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। म्यूजिक और लिरिक्स की बात करें तो कैसी लगी आपको? म्यूजिक और लिरिक्स मुझे बहुत अच्छे लगे, टोनी कक्कर ने दिया हुआ है, वैसे भी टोनी कक्कर जो भी गाना बनाते हैं वो युद्ध के लिए बनाते हैं और ये उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं सुनने को, तो ये गाना इस बार जो ये गाना आया हुआ है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। अगर म्यूजिक और लिरिक्स की बात करूँ तो जैसे कि टोनी कक्कर ने जो कि पूरा ऑलराउंडिंग किया है, सब कुछ लिरिक्स म्यूजिक सब कुछ उन्होंने दिया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और शूट भी कर रहा है दोनों पे भी। म्यूजिक लिरिक्स दोनों ही अच्छे हैं मैं कहूँगा, क्योंकि टोनी कक्कर ने दिया है तो उनके जैसे पास्ट रिकॉर्ड है, सारे गाने अच्छे होते हैं उनके, एक रोमांटिक पैपी नंबर कह सकते हैं इसको, तो बहुत ही बढ़िया है। म्यूजिक और लिरिक्स की बात करें तो मैं टोनी कक्कर का पहली बार तो बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मुझे म्यूजिक और लिरिक्स बहुत पसंद है। अगर मैं स्टार की बात करूँ तो फायर आउट ऑफ कितना चाहिए? मैं फायर आउट ऑफ 4 देना चाहती हूँ इस गाने को, क्योंकि ये गाना तो मुझे वैसे भी अच्छा लगा, लेकिन ठीक है 4 इसके लिए ठीक है। स्टार की मैं बात करूँ तो फायर आउट ऑफ 4.1 स्टार देना, 5 आउट ऑफ में देना चाहूंगा 3.5 स्टार। स्टार की बात करें तो फायर आउट ऑफ 4.2।